गुड क्या गुड मॉर्निंग होने वाला है, अर्ली मॉर्निंग होने चली गया ना, लेटे थे तो गैस की बदबू बहुत ज़्यादा आ रही है, मुझे लग रहा है गैस खुला रह गया है। और फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी लोग, मैंने बंद कर दिया, नींद नहीं आ रही, रात के समथिंग 11:30 बज गए हैं, बिटिया की तबीयत नहीं सही है। आप सोई नहीं, आप सोई नहीं क्यों? आज फ्रेंड्स हमारी बिटिया की तबीयत नहीं ठीक है, उसको लूज मोशन और फीवर, लूज मोशन की वजह से वो बहुत परेशान है, दवा वगैरह दिया, दवा कोई कुछ फ़ायदा ही नहीं किया अभी तक। मम्मी भैया फोन ना करें, फोन का क्या करेंगी आप? लाइव नहीं आना बेटा, चले हम दोनों सो जाएं क्या थोड़ी? आपको नींद नहीं आ रही? फ्रेंड पता क्या है, मेरी बिटिया की तबीयत नहीं सही रह रही है, क्या है कि ये हम 2-3 दिन हॉस्पिटल के चक्कर में थे तो मेरे हस्बैंड को पिज़्ज़ा ओरियो बिस्किट ये सब चीज़ें इसको खिलाएं, इसको हो गया जो है इन्फेक्शन और इसको ये सारी चीज़ें सूट करती नहीं, खा ली और बीमार पड़ गई। क्या बोलो, और बताइए आप लोग कैसे हैं? इसमें क्या रखा, ड्राई फ्रूट्स रखा है? फ्रेंड्स ले लीजिए ड्राई फ्रूट खा लीजिए। ये लीजिए, मुझे डब्बे में डालना था, मुझे याद ही नहीं था, अब कल सुबह डालूँगी। ये लीजिए, और भी कुछ है ये लीजिए, बाकी मैंने मखाना और जो पिस्ता वगैरह होता ये सारी चीज़ें मैंने उसमें डाल दिया है, डिब्बे में 4-5 डिब्बे खाली नहीं थे तो ये सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें पड़े हुए हैं, थैले में मैंने बेड पे रख दिया। अब कल सुबह उठूँगे तो डब्बे खाली वाली करूँगे, फिर मार्केट से मंगाऊँगे। आप लोगों को खाने तो आप लोग बता सकते हैं, यहाँ पे ना दिल्ली में चौड़ी बाज़ार है, वहाँ पे ड्राई फ्रूट्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं और अच्छे रेटों पे मिलते हैं, मतलब यहाँ बाहर फुटकर मार्केट से ना वहाँ थोक बाज़ार है ना तो वहाँ पे सही मिल जाता है, मेरे यहाँ वहीं से आता है, हर 2 महीने में 2-2.5 महीने 3 महीने में ड्राई फ्रूट्स आता है। एक्चुअली क्या ना कि रात में भिगो देती हूँ तो थोड़ा बहुत बिटिया को खिलाती रहती हूँ ड्राई फ्रूट्स वगैरह, मखाने बिटिया को इसलिए खिलाती हूँ ताकि उसकी जीभ मोटी है ना तो उसकी जीभ पतली हो जाए, और बादाम भी रात में भिगो के सुबह खिलाती हूँ, थोड़ा बहुत बिटिया को ही खिलाती हूँ, बाकी सब लोग भी खाते हैं, हस्बैंड भी खाते हैं। भोलेनाथ दया करना मैं तेरे भरोसे, यार मेरी बिटिया देखो कैसी बैठी है, इसकी तबीयत इतनी ख़राब होने के बाद शक्ल देखो कैसी हो गई इसकी, इसको लूज मोशन हो रहा था, इसको नींद नहीं आ रही है, दवाई दिला दी, डॉक्टर बोल रहे थे कि मतलब जो है 4-5 घंटे में आराम मिल जाएगा, शाम को भी दिखाने गए थे, सुबह दवाई लाए थे तो उससे फ़ायदा नहीं, फिर शाम को दिखाने गए थे, दिखा के दवाई लाए हैं, उसे आराम ही नहीं मिला अभी तक, अगर नहीं रिलीफ मिलेगा तो कल हॉस्पिटल लेके जाऊंगी कलावती, देखती हूँ वहाँ पे क्या बोलते हैं। कल छोड़ के परसों मेरा अल्ट्रासाउंड हो रहा है, मेरी खुद की तबीयत नहीं सही रह रही, क्या बोलो, भोलेनाथ के भरोसे हूँ, बाबा जैसे राखे। अब भोलेनाथ जाने कैसे रखना क्या करना, अभी मेरी रिपोर्ट भी नहीं आई है, मेरा टेस्ट हुआ था, अगर रिपोर्ट अच्छी आती फिर तो ठीक है, ऊपर वाले की मेहर होगी बहुत बड़ी, और बेकार आती है तो समझ लो कि हमें फिर हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा 1 महीने के लिए, 1 महीने के लिए क्या 10 दिन के लिए, तब भी एडमिट करेंगे, भगवान सब अच्छा करें, बस इतनी दुआ है। भैया चले बेटा, पता है दोस्तों ज़िंदगी में जब हम बीमार पड़ते हैं हमें नहीं तकलीफ होती, लेकिन अब हम ना जीना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो, अच्छी ज़िंदगी हो, क्योंकि अगर हमें कुछ हो गया तो हमारी बिटिया का क्या होगा, आप लोगों को पता है हमारी बिटिया अच्छे से बोल नहीं पाती है,
18 तारीख को उसका एडमिशन करवाना है मुझे, जो है 18, 19, 20 दो दिन इसका असेसमेंट होना है, इसके बाद इसका एडमिशन होगा। चलिए सब ऊपर वाले के भरोसे छोड़ें, देखते हैं क्या होता है। कहते हैं ना, नसीब से ज़्यादा मिलेगा नहीं, कर्म से ज़्यादा तकलीफ तो भुगतना नहीं है, ये ज़िंदगी है, कभी अच्छा कभी बुरा चलता रहता है। और हंसने में क्या समस्या है, स्माइल करते रहो, सुखी रहो, खुश रहो। चलिए बाय बाय, फिर हम मिलते हैं। मनु बाय करो, चलो हम अब तुमको सुला दें हैं। गाइस पता क्या है, हमें नींद नहीं आ रही, पर बिटिया को सुला दूँ क्योंकि इसकी इसको आराम की ज़रूरत है। हमारा क्या है, हम तो ऐसे कि कभी कभी हमें टेंशन में वाकई नींद नहीं आती है। हमें क्या, सभी के साथ ऐसा होता होगा कि लोगों को नींद नहीं आती होगी। चलिए भाई भाई दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। भोलेनाथ अपना कृपा दृष्टि सभी लोगों पे बनाए रखें, सबका कल्याण हो, सबका अच्छा हो, सबका भला हो। बाय बाय, आप लोग अपना ध्यान रखिए और साथ में सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों की सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है, आप लोग अपना सपोर्ट हम पे बनाए रखें। और प्लीज़ जो है, सभी लोग जो लोग ज्वाइन कर सके ज्वाइन करें, जो सुपर चैट कर सके सुपर चैट करें प्लीज़, क्योंकि ना हमारा गूगल पिन आ जाएगा, हमारा भला हो जाएगा। देखिए 10-5 रुपये में किसी का कुछ नहीं जाएगा, समझ रहे हैं, 10-20 रुपये में किसी का कुछ नहीं जाएगा, लेकिन 10-20 रुपये में ना हमारी ज़िंदगी सुधर जाएगी। गूगल पिन आ जाएगा इसके बाद तो फिर तो सब अच्छा ही अच्छा होगा। कहते हैं ना कि चैनल मोनेटाइज होने से कुछ नहीं होता है, जब तक गूगल पिन वगैरह नहीं होता, जब तक आपका वीडियो वायरल नहीं होता है। तो जब आप लोग देखेंगे नहीं हमारा वीडियो, तो वायरल कैसे होगा बताइए। हाँ माना कि इतना अच्छा मुझे एडिटिंग वगैरह करने नहीं आता, मैं एडिटिंग वगैरह नहीं करती, मैं जैसी हूँ वैसे एज इट इज़ वीडियो डालती हूँ, मैं मेकअप वगैरह भी नहीं करती, मैं सिंपल हूँ। तो हो सकता है लोगों को सुंदरता सिंपल सिंपल चीज़ें पसंद ना आती, मैं एकदम सादगी साधारण इंसान हूँ। हमें राइट तरीके से ज़िंदगी जीनी आती, रॉन्ग तरीका आता ही नहीं हमें, इसलिए कई दफ़ा मैं लाइव में बदतमीजी भी कर जाती, लोगों को अपशब्द भी बोल देती, क्योंकि लोग हमें गलत कमेंट करते हैं, तो मैं उसके लिए भी सॉरी बोलती हूँ। लेकिन चीज़ें गलत बोल जाते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होता है। थोड़ी सी है मेरे अंदर जो है आदतें जो हमारे लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन हम तब भी सभी लोगों से ही बोलेंगे कि जो अच्छे लोग होंगे वो सपोर्ट करेंगे, जो बुरे लोग होंगे वो हमें गाली देंगे। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं, अच्छा करो तो सही, बुरा करो तो सही। लोगों की मानसिकता है, लोग कुछ भी बोल सकते, लोग तो लाइव में भी गंदा गंदा बोल के चले जाते हैं, हमें क्या करें। हम बस सब लोग सपोर्ट करते रहें, मेहरबानी करते रहें, थोड़ा बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, बाय बाय फ्रेंड, ध्यान रखिए, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। बाय बाय।